स्किल्स दो तरह की होती हैं, एक वो जो आप फील्ड वर्क में सीखते हो, जिस तरह अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट हो तो आप माइक्रोस्कोप का यूज़ सीखते हो, लैब्स में पड़े इंस्ट्रूमेंट का यूज़ सीखते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ सीखते हो। और दूसरी तरह की वो स्किल्स होती हैं जो हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को सीखनी चाहिए और जिसकी मैं आज बात करूँगा। और वो बंदा जिसको ये स्किल्स नहीं है, वो कभी भी उस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास ये स्किल्स मौजूद हैं। अगर यूनिवर्सिटी में पहले सेमेस्टर की पहली प्रेजेंटेशन में आपकी आंखें झुक रही हैं, आपकी टांगें कांप रही हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के 8वें सेमेस्टर में आपकी टांगें कांप रही हैं तो मसला तब है। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोई दवाई नहीं है कि आप वो खा लो तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, बल्कि लोगों के सामने जो बोलने का डर है उसको ख़त्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि इस डर से हमेशा टक्कर लेते रहो। कोई भी लोगों के सामने बोलने का मौका मिस मत करो, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा। और अगर एक बार आप लोगों के सामने बोलना सीख गए तो लिख के रख लो, आपका खुद दिल करेगा बोलने का, आप किसी को बोलने नहीं दोगे। अगर पहले सेमेस्टर में कोई बंदा आपको दुख देता है, रुलाता है, परेशान करता है और आप दुखी बैठे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 8वें सेमेस्टर में अगर आपको कोई बंदा दुख देता है, कोई रुलाता है, आपके चेहरे पे पूरी इत्माद मुस्कुराहट होनी चाहिए। किसी को भी अपनी फीलिंग्स के साथ खेलने मत दो। अगर तुमको अपनी बात पे एतमाद नहीं है, अपने आप पे एतमाद नहीं है, तो दूसरों के सामने कैसे कॉन्फिडेंस शो करोगे? 2 जमा 2 4 होता है, ये तुम जानते हो, लेकिन अगर पूरी दुनिया कहे कि 2 जमा 2 5 होता है और ये तुम सोचने लगो कि वो ठीक है और मैं गलत हूँ, तो तुम्हारे अंदर इस स्किल की कमी है। अगर इन बातों को समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करो और साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी खुद ही समझा देगी।